हेलो स्टूडेंट्स आई एम कविता टुडे आई विल टीच यू मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास एल के जी ओके दिस इज अवर एल के जी बुक हेयर और इज वन ओके ना अवर फर्स्ट चैप्टर इज टॉल एंड शॉर्ट और चैप्टर इज टॉल एंड शॉर्ट सबसे पहले टॉल को हम क्या बोलते हैं लंबा क्या बोलते हैं टॉल को लंबा ठीक है शॉर्ट मींस छोटा ओके यहाँ पे देखो ये जिराफ क्या कह रहा है आई एम अ टॉल वो अपने बारे में ही बता रहा है ठीक है क्या बोल रहा है आई एम अ टॉल मैं लंबा हूँ ठीक है यहाँ पे रैबिट ने क्या कहा आई एम शॉर्ट मैं छोटा हूँ ठीक है यहाँ पे रैबिट क्या बोल रहा है मैं छोटा हूँ ठीक है इन दोनों ने अपना अपना मतलब अपने अपने बारे में बताया है ठीक है ऐसे ही सेम हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट लॉन्ग यहाँ पे हमने टॉल पढ़ा लंबा यहाँ पे हमने लॉन्ग लॉन्ग मीन्स भी क्या होता है लंबा ठीक है मगर दोनों का शेप चेंज होता है ठीक है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी आई एम लॉन्ग ये स्नैक क्या बोल रहा है आई एम लॉन्ग मैं लंबा हूँ ये भी लंबा है यहाँ पे जिराफ भी लंबा है ठीक है मगर वो कैसे लंबा है अभी बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे डिजार्ट क्या बोल रही है आई एम शॉर्ट मैं छोटा हूँ ठीक है मैं ठीक है हम ये थोड़ा समझ लेते हैं स्टिच को टॉल टॉल मीन्स भी लंबा एंड लॉन्ग मीन्स भी लंबा ठीक है बाकी तो शॉर्ट मींस जैसे कि आपका ये हो गया ठीक है और एक ही हो गया दिस इज आवर ट्री एंड दिस इज और पेंसिल ठीक है ये भी लंबा है ये भी लंबा है ठीक है बट फ़र्क क्या है ये इस में इस तरीके से लंबा यानी ऊंचा है ये ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे टॉल और ये इस लंबाई में है इसको हम क्या बोलेंगे लॉन्ग ठीक है तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये ऊंचाई में है और ये लंबाई में है दोनों में ये डिफरेंस है ठीक है तो हम इसको टॉल बोलेंगे इसको हम लॉन्ग बोलेंगे ओके यू अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट है एक्टिविटी मतलब एक बार और देख लो जैसे कि ये देखो ये जिराफ किस में है लंबाई में ठीक है जैसे हमने अभी ट्री को ड्रॉ किया था ये ऊंचाई में है इसको हम क्या बोलेंगे टॉल और ये स्नैक लंबा होता है ठीक है स्नैक कैसा होता है लंबा तो इसको भी इसको हम लॉन्ग बोलेंगे दोनों में फ़र्क है. है तो हिंदी में मीनिंग तो दोनों का लंबा ही आता है बट इस ये ऊँचाई में और ये लंबाई में है ठीक है इतना का डिफरेंस है ना नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन ईच रो ठीक है इसमें हमें लॉन्ग यानी जो लंबाई जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को ठीक है किस शेप में करना है लंबाई ये लॉन्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है लॉन्ग जैसे कि हमने यहाँ पे पेंसिल ड्रॉ किया था यानी इस शेप में इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग ठीक है तो यहाँ पे इसमें टिक करना है अब आपको खुद देखना है ये होमवर्क है इसमें से कौन सा लॉन्ग है इन दोनों में से उस पर टिक करना है इन दोनों में से कौन सा लॉन्ग है इसको भी टिक करना है और इनमें से कौन सा लॉन्ग है उस पर टिक करना है ओके होमवर्क है ठीक है आज का और सेम एक और ऐसा ही बुक है मैथ स्टेप बाय स्टेप ओके इसमें भी देख लो ये देखो इसमें भी है टॉल एंड शॉर्ट टॉल एंड शॉर्ट यहां पर भी अभी हमने पढ़ा था टॉल मींस लंबा एंड शॉर्ट मींस छोटा ठीक है टॉल मींस ये देखो ऐसी ट्री को करके दिखाया हुआ है यानी ये इस शेप में है ऊंचाई में इसको हम क्या बोल रहे हैं टॉल ये छोटा है इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट तो हमको इसमें से चेक करना है कौन सा टॉल है उसको हमें कलर करना है ठीक है इसमें से जो टॉल होगा वो आपको कलर करना है इसमें से भी जो टॉल है उसको कलर करना है एंड इसमें से भी इसमें से आपको मतलब चेक करना है कौन सा टॉल है जैसे मैंने आपको बताया था यानी हाइट वाइज उसको हम टॉल बोलते हैं इसमें से थोड़ा हिंट में दे देती हूँ ये दिस इज़ टॉल ओके ये लंबा है इसमें ओके एंड कलर द शॉर्ट इसमें छोटे को कलर करना है ठीक है इसमें से जो छोटा है उसको कलर करना है ठीक है तो आप अपने हिसाब से मतलब कलर करेंगे मतलब ऐसा कलर करना है कि बहुत अच्छा लगे ओके टूडेज योर होम वर्क इज टॉल एंड शॉर्ट। नाउ वी हैव डन टॉल एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट। एंड ये वाला होमवर्क भी है वो होमवर्क उस बुक का और ये इसमें टिक करना है ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है ये होमवर्क करना है और इसके बारे में पढ़ना है टॉल मीन्स लंबा शॉर्ट मीन्स छोटा लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा ठीक है ये इस प्रोसेस पे होता है और ये इस शेप में होता है उसको लॉन्ग बोलते हैं ओके वी हैव डन द लॉन्ग एंड शॉर्ट long and short and tall and short thank you